सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप टीम इंडिया को चौथे टेस्ट में जीता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड में चल रही टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड को 246 रन पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 19 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल कल शुरू होगा। खेल राहुल 11 और शिखर धवन 3 रन बनाकर नाबाद लौटे। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों और मध्यक्रम के खराब प्रदर्शन के बावजूद इंग्लैंड ने सैम कुरियन के 78 और मोइन अली के 40 रनों की बदौलत पहली पारी में 246 रन बनाए। भारत के लिए बुमराह ने खतरनाक बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए। ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन 4 विश्व रिकॉर्ड टूटे। मैच में टूटे कुल 5 विश्व रिकॉर्ड। एक ईशांत ने इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट का विकेट लेकर अपने टेस्ट करियर के 250 विकेट का कीर्तिमान बनाया। तेज गेंदबाजों में उनसे पहले सिर्फ कपिल देव और जहीर खान ही भारत के लिए यहां कड़ा छू पाए थे। दो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के सभी प्रमुख गेंदबाजों ने 10 विकेटों में से विकेट प्राप्त किए। 3 भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी अश्विन ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। विदेशी सरजमी में 100 विकेट लेने वाले अश्विन भारत के 5वें गेंदबाज बन गए हैं। 4 भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अपने टेस्ट क्रिकेट कैरियर में 250 विकेट पूरे किए हैं। इसी के साथ उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यह टेस्ट इतिहास के सबसे धीमी गति से लिए 250 विकेट है। 5 सैम करेन ने सबसे कम उम्र में 2 अर्धशतक लगाकर दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। सैम करेन से पहले कपिल देव, मार्क वाउचर और एल्बर्ट ट्रॉट ऐसा कारनामा कर चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।